निगम लिमिटेड इस समय जुआ घर बनकर रह गया है। डिजिटल भारत द्वारा सरकारी दफ्तर में सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऑफिस के समय पर जुए के फड़ का खुलासा किया गया है। हर तरफ ताश के पत्ते और चारों तरफ जुआ खेलते हुए सरकारी कर्मचारी, यह दृश्य किसी मोहल्ले के जुए के फड़ का नहीं, बल्कि यह तस्वीर है भारतीय संचार निगम लिमिटेड रिछाई की। इस टेलीकॉम फैक्ट्री में लाखों हजारों के वेतन लेने वाले ये कर्मचारी अपने इस सरकारी दफ्तर को जुए का अड्डा बना चुके हैं। अभी लगभग सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जिन जुआरियों द्वारा जुआ यहाँ खेला जा रहा था वो सभी लोग BSNL के कर्मचारी हैं, और उसमें कुछ सुनने में आ रहा है कुछ यूनियन के पुराने नेता भी हैं। इसी बात का आज खुलासा डिजिटल भारत की टीम द्वारा इस रिपोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। डिजिटल भारत की टीम जब टेलीकॉम फैक्ट्री रिछाई पहुंची, तो वहां का नज़ारा कुछ इस तरह था कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। अधिकारियों द्वारा लगातार जुए का व्यापार यहाँ किया जा रहा था। अभी हम खड़े हैं दूरसंचार कंपनी के अंदर, जहाँ पर लगातार सिविल ऑफिस इसको कहा जाता है, और सिविल ऑफिस में ही सामने आप देख रहे हैं सिविल ऑफिस में ही जुए का व्यापार चल रहा था। और जो वीडियो हमारे पास आया है, और संपर्क सूत्रों के आधार पर सिविल ऑफिस के अंदर ही इस जुए का व्यापार चल रहा था। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। जिस टेबल पर सरकारी फाइलें होनी चाहिए, वही उस टेबल पर ताश के पत्ते बिखरे हुए हैं। वो सरकारी कर्मचारी जो आम जनता की समस्या का निराकरण करने सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, वही सरकारी कर्मचारी अपने साथी कर्मचारियों के साथ उसी टेबल पर जुआ खेल रहे हैं। हमारी टीम के कैमरामैन को देखते ही कुछ सरकारी जुआड़ी सख्ते में आकर भागने लगे, तो कुछ कैमरे को बंद करने की कोशिश करने लगे। इन सरकारी कर्मचारियों में कोई क्लर्क है तो कोई टेक्नीशियन, और विभिन्न पदों पर काबिज अधिकारी हैं। सफेद पोशाक पहना ये अधिकारी जो कैमरामैन को रोकने का प्रयास कर रहा है, यह एक श्रमिक नेता है जिसका नाम LN तिवारी है। यह जुए फड़ का संचालन करता है। इसके अलावा परमानंद, गणेश सिंह, रव्या बुद्दीन नाम के कर्मचारी इस जुए में शामिल थे, जो डिजिटल भारत के संवाददाता व कैमरामैन को देखकर भाग खड़े हुए। दीपावली के समय जहां पुलिस रोज एक नए जुए फड़ों का खुलासा कर रही है, वहीं सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को ही जुआ फड़ों में तब्दील कर दिया गया है। बड़े अधिकारियों द्वारा जब कार्रवाई करने की बात कही गई, तो उनके द्वारा कोई जवाब ना देते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया गया।